झारखंड में बोर्ड निगम आवास के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार अपनी आवाज को उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिस्ट सौंप दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ता अपनी आवाज को इसलिए उठा रहे क्योंकि उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएलपी लीडर आलम जी। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से कांग्रेस में दो गुट देखने को मिल रहा है। एक और जहां पर कहा जा रहा है कि आखिर इस तरीके का लिस्ट क्यों भेजा गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिसमें जो कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े हैं उनका नाम शामिल नहीं है। देखिए, अभी कौन कार्यकर्ता का नाम है या नहीं है, सार्वजनिक रूप से किसी का नाम नहीं आया। कौन सोर्स में इनको जानकारी हुई है यह भी मुझे पता नहीं है, और निश्चित तौर पर किसका नाम जोड़ा गया किसका नाम छोड़ा गया ये तो जब लिस्ट पब्लिकेशन होगा बोर्ड निगम का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तभी इस पर मैंने कोई टिप्पणी किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने कल जो कॉन्फ्रेंस किया है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सबका अपना अपेक्षा मैंने अपना काम किए हैं कांग्रेस पार्टी में, अपेक्षाएँ सबकी होती है पार्टी के अंदर, जो पुराने लोग हैं तो उसके ज़्यादा अपेक्षाएँ होती है, ये बात सही है और होना भी चाहिए, इसमें कहीं हम ये नहीं। लेकिन इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, इन बातों को आलाकमान के सामने अपनी बातों को रखनी चाहिए, बस इतना ही हम कह सकते हैं। चर्चाओं में जिसका नाम आ रहा है उसको लेकर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि हमारे सामने जो नाम आया है तो उनके सामने कैसे आया, वो लिस्ट दिखा सकते हैं हमको कोई, जो वहाँ से दिल्ली से लिस्ट चलकर यहाँ पर सीएम के पास जमा हुआ है तो वो लिस्ट कोई दिखा सकता है जहाँ भाई यही लिस्ट है इसको देखकर हम कह रहे हैं, तो अभी इस पर कोई बोलना या करना उचित नहीं है। अब थोड़ा अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं, चूंकि आप लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर लोगों के समक्ष जाते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी की ओर से जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया उसमें भी अभ्यर्थी बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार क्लियर करे कि जब नियोजन नीति है ही नहीं झारखंड में, तो आखिर ये 10 परीक्षाएँ किस बेसिस पर ली जाएगी, किस आधार पर लिया जाएगा। आधार क्या है सारे लोग जान रहे हैं, और आधार हम लोगों ने बनाए थे, उस आधार को हाईकोर्ट ने लुटा दिया या टिप्पणी करके कुछ बिंदुओं को उन लोगों ने सुधार करने के लिए बोले, उन बिंदुओं को हम लोग देखकर यहाँ को नौजवानों को रोजगार कैसे मिले कैसे करके उसको जोड़ा जाए उस दिशा में हम लोग पहल किए हैं। और जिस बात को लेकर ये लोग बात उठा रहे हैं, मैं आश्वस्त कराना चाहते हैं उन नौजवानों को कि आने वाले दिनों में ये परिलक्षित होगा, ये सर्वविदित होगा कि हम लोगों ने हमारा जो उद्देश्य गठबंधन की सरकार की उद्देश्य रहा है कि झारखंड के लोग ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिले और ज़्यादा स्वयं हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। जब रिजल्ट निकलेगा पब्लिश होगा तब आपको पता चलेगा जो हमारा मंशा सही था या गलत था। हमने साफ शब्द में कहते हैं ज्यादा से ज्यादा झारखंड के नौजवानों को जोड़ने के काम हम लोग करेंगे। लेकिन क्या ऐसे अभ्यर्थियों का कहना 60-40 का रेशियो है, 40% तो ऐसे भी बाहरी लोगों की एंट्री हो जाएगी। ये बातें आने वाले दिन में साबित हो जाएगा कि हमने जिसको भर्ती की है, जिनको हमारे रीजन में जिन लोगों को रोजगार मैंने बहाली होगा नियोजन होगा वो कितना प्रतिशत झारखंडी है, वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। और मैं दावे के साथ कहते हैं कि झारखंड के नौजवानों को अधिक से अधिक यहाँ पर नियोजन दिया जाए। लेकिन विज्ञापन जो जारी हुआ था पीजीटी और लैब असिस्टेंट का, उसमें तो भारत के नागरिक लिखा हुआ है, उसमें तो झारखंड वासियों का कुछ जिक्र भी नहीं है। मैंने कहा कि आप देखिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे हम नहीं जाना चाहते हैं। मेरे एक ही उद्देश्य है कि झारखंड के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, झारखंड के बच्चे उपेक्षित नहीं हो उनका। हमारा जो उद्देश्य था कि हमने पहले भी एक नियम बनाए थे और उसमें हम लोग झारखंड के लिए सुरक्षित किए थे, लेकिन कुछ ऐसे बात हुई जो उसको हम लोग नहीं रख पाए, दूसरी बार हम लोगों ने बनाए और बनाकर उसको हम लोग डालने के काम किया, और अभी एडवर्टाइजिंग 10 भी इसका निकलेगा और इसमें आप देखिएगा परसेंटेज जो होता है वो कितना होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड निगम को लेकर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी आवाज़ को उठा रहे तो पहले उन्हें आलाकमान से मुलाकात करनी चाहिए। दूसरी ओर जेएसएससी की ओर से जो 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, तो तमाम जो अभ्यर्थी परेशान ना हो, सरकार प्रतिबद्ध है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का
झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिसका मोड़, रांची।